जुग जुग अटल। लोक परलोक दे राखे चवर छतर तखत दे मालक, तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी सात संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल दी तरह इस साल भी तख्त श्री दमदमा साहब की पावन पवित्र धरती से दमदमी टकसाल वालों अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस महान पर्व को समर्पित हो रहे समागम च आप हाजरियां भर रहे हैं। मेरे तो पहला मेरी कौम के विद्वान आप जी नूं संबोधन होके गए, सिंह साहब संबोधन होके गए ने, बाबा बलबीर सिंह जी संबोधन होके गए, दास दमदमी टकसाल दे स्थापना दिवस दियां आप सारियां संगतां नूं बहुत 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 बधाइयां दियां। मेरे तो पहला सारे ही बुलारियां ने दमदमी टकसाल का जो गुरु खालसा पंथ नूं योगदान है उस बारे खूब चर्चा की और बड़े सोहने लफ्जां दे विच चर्चा की है। डॉक्टर हरभजन सिंह जी देहरादून वाले बैठे ने, बड़े विद्वान ने मेरी कौम दे, वह भी संबोधन होके गए। कोई शक नहीं है दमदमी टकसाल का योगदान खालसा पंथ नूं बहुत वड्डा है, ये साड़ी माणमत्ती शानमत्ती जमात है, जथेबंदी है, संपर्दा श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल दे मुखी बैठे ने बाबा बलबीर सिंह जी, ये भी साड़ी शानमत्ती माणमत्ती संपर्दा है, जथेबंदी है। अज जो असीं अपने आले दुआले झात मारदे हां ते साड़ियां इस संस्थावां जिहड़ियां कौम दी पंथ दी रीढ़ दी हड्डी हुंदियां उन्हां नूं किते ना किते गोहस ढंग दे नाल खोखला करन दा यतन कीता जा रहा। मैं सुन रहा सां डॉक्टर हरभजन सिंह जी नूं, उह वी इहो ही कह रहे सी, कोई शक नहीं है कौमां प्रफुल्लत ही संस्थावां संप्रदावां दे सिरां ते होया करदियां, कौमां दे विच जान कौमां नूं मजबूती कौमां नूं उन्नति ये संस्थावां ये संप्रदावां ही बख्शदियां ने। जिन्नियां किसे कौम दियां संस्थावां मजबूत ने उन्नी कौम मजबूत है ते जिन्नियां किसे कौम दियां संस्थावां कमजोर है उन्नी कौम कमजोर है। गुरु पंथ का यह जिहड़ा ढांचा है साडियां संस्थावां का सुमेल ये बड़ा खूबसूरत है, इहनूं अज मजबूत बनाउण की बहुत वड्डी जरूरत है साध संगत जी। अज सब तो वड जे सानूं चिंता है तो वह इस गल की है कि एक तो साड़ियां संस्थावां नूं कमजोर करन दा यतन किया जा रहा, दूसरा साढ़े इस खिते दा डेमोग्राफ जिहड़ा है वह चेंज हो रहा, बदल रहा, बड़ी तेजी नाल बदल रहा डेमोग्राफ दा कारण है। साढ़े बच्चे विदेश जा रहे हैं यह भी एक कारण है, पर मुख्य कारण यह नहीं है।
कि साडे बच्चे विदेश जा रहे हैं या साडे परिवार विदेश जा रहे हैं, ये कारण है लेकिन मुख्य कारण यह नहीं है। मुख्य कारण जिहड़ा है वह है जिहड़ा 30-35 साल पहला साडे परिवार ने वन चाइल्ड पॉलिसी जिहड़ी है उसनू लागू किया अपने उपर, उहदा रिजल्ट अज निकल रहा है, अज देख रहे हैं असीं उहदा रिजल्ट, उहदा नतीजा। मैं पहला भी कई बार बचन सांझे किए कि पहला परिवार के चार चार पांच बच्चे होंगे से, एक दमदमी टकसाल च विद्या पढ़न चला गया, एक नंगा सिंघा नाल रल गया, एक फौज चला गया, एक ने खेती सांभ ली, पर अज एक एक बच्चा है, एक एक बच्चा है और उहदा रुझान जिहड़ा है वह विदेशां वल है। ते साडियां संप्रदावां साडे इन्हां दलां पंथां नूं किहने संभालना है, यह सब तो वड्डी चिंता है। कौन विद्या पढ़न आऊगा साडियां इन्हां टकसालां दे विच, कौन विद्या पढ़न आऊगा? मैं बाकी पंजाब की गल ना करा, इत्थे दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते यूनिवर्सिटियां ने, वैसे तो सारे पंजाब का ही हवाल है, पर मैं दमदमा साहब की गल दसा कि दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते यूनिवर्सिटियां ने, उन्होंने यूनिवर्सिटियां के बहुत सारे बच्चे जड़े ने वो आउट सीटा के पढ़ आ रहे। असी इतराज नहीं करते, असी गिला नहीं करते क्यों आ रहे, बई उन्होंने आना ही है, खुलिया ने यूनिवर्सिटियां, खोलिया ने साडे बजुर्गों ने, आ गुरु कांशी कॉलेज बनाया बाबा टेक सिंह जी बैठे ने, संत फतेह सिंह होना ने दिन रात एक लत ते खड़ो के वह तैयार किया कि मेरे पंथ के इत्थे बच्चे बच्चियां पढ़नगे। अज कौन पढ़ रहे, असी कोई गिला नहीं करते कि वह बाहरले बच्चे क्यों पढ़ रहे, दुख इस गल दा है कि उन्होंने पढ़ना ही है, जो साडे जिहड़े है वह भज रहे ने इन्हां स्कूलों इन्हां कालजां तों इन्हां यूनिवर्सिटियां तों जिहड़ियां साडे पुरखियां ने तैयार कीतियां, पंथ दे बच्चे पढ़न, ये साडी वड्डी चिंता है साध संगत। वोट ध्रुवीकरण की राजनीति, जदों जदों जिस जिस देश दे विच कीती गई है वो देश सड़िया लट लट करके, नसल के आधार से, जात के आधार से, धर्मां के आधार से वोटां के ध्रुवीकरण की राजनीति ने साड़िया है देशां, पंजाब भी सड़िया इस राजनीति की वजह करके, 20 साल सड़िया, अज मणिपुर सड़ रहा है, हरियाणा सड़ रहा है, कल नूं कोई होर स्टेटां सड़नगियां, क्यों? वोट पोलराइजेशन की जिहड़ी राजनीति है वह हमेशा ही कौमां नसलां धर्मां जातां गोतां का नुकसान करती है, देशां का नुकसान करती है, वह इंसानियत का नुकसान करती है, इंसानियत का नुकसान करती है। साढ़े नाल तां बीतिया 1984 दे विच नवंबर दे अंदर कि इंसानियत खत्म हो गई, सिर्फ हैवानियत सी, हैवानियत। यह वोट ध्रुवीकरण की राजनीति जिहड़ी है वह इंसानियत नूं खत्म करती है, हवानियत नूं पैदा करती है, ते जदों जदों हवानियत पैदा हुंदी है उदों उदों अग्गां लगदियां ने, उदों मकान सड़दे है, उदों जिंदा इंसान सड़दे है, टायरां दे नाल, लकड़ां दे नाल, पेट्रोल दे नाल, बालण दे नाल, इह साडी चिंता है। भई असीं चिंता क्यों करदे हां, सानू चिंता करन दी क्यों लोड़ है? क्योंकि साडे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने सानू सरबत दे भले दा फलसफा दिता है, समुची मानवी हकां दी गल करन दी साडे सतगुरु साहिबाना ने सानू सिख्या दिती है, असीं सरबत दा भला मंगदे हां, कोई इंसान सड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई बोधी है, चाहे कोई जैनी है, किसी औरत की पत नीलाम नहीं होनी चाहिए, चाहे वह हिंदू है, चाहे वह बोधी औरत है, चाहे वह सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, असी यह चाहते हैं, साडा फलसफा यह सानू कहिंदा है, सानू सिख्या दिंदा है। मैं बहुता लंबा समा नहीं लैना आप जी का, मैं इन्ना ही कहांगा
कि असी जज्बाती बहुत ज्यादा है। जज्बाती होना एक गुण भी है। जज्बाती होना, भावुक होना, जज्बाती होना एक गुण भी है, पर किते किते लोड़ों वध जज्बाती हो जाना जिहड़ा है वह साडा नुकसान भी कर जाता है। इस करके सानू जज्बाती होना चाहिए, होवो, पर हद्दां तो परे जाके नहीं, सीमावां तो परे जाके जज्बाती ना होवो। उत्थे बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करो ताकि असी आप भी अग तो बच सकीए ते असी होरना भाईचारियां नूं भी अग्गां तो बचा सकीए। ए मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा, अपील करनी चाहांगा। मेरे मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब बैठे ने, सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी बोल के गए ने, मेरे तो बाद मानयोग सिंह साहब जी ने बोलना है। मैं अंत दे विच फिर बाबा हरनाम सिंह जी जो दमदमी टकसाल दे इस वक्त मुखी ने, उन्हां नूं वधाई देना है इस गल दी कि वो पंथ दी इस नामावर जथेबंदी का स्थापना दिवस जिहड़ा है इस धरती दे उत्ते आके मनाउंदे। श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी बाणी दा स्टीक भी इन्हां ने लिखाया, व्याख्याकारी इह धर्मां दे विच हुंदी है। व्याख्याकारी धर्म ग्रंथ की सोझी दिंदी है, समझ दिंदी है, जानकारी दिंदी है। और इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का स्टीक तैयार करवाया। मैं इहदियां भी जिहड़ा इन्हां नूं बहुत 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 मुबारकां देना। मैं अंत दे विच जिन्हें आप आए ने, क्योंकि मैं तख्त श्री दमदमा साहब का सेवादार होने नाते मैं संत बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा बलवीर सिंह जी, श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल के जथेदार और मेरे साथी सिंह साहबान डॉक्टर हरभजन सिंह जी देहरादून, सरदार कश्मीर सिंह जी, बाबा बैठे ने टेक सिंह जी, होर सारे बैठे ने, मैं सारिआं दा ही तख्त श्री दमदमा साहब की इस पावन धरती ते आउण ते दिल दीआं गहराइआं दे विच्चों जीवां कहना। आनंदपुर साहब तो बाबा जी आए ने, कारसे वाले बाबा सतनाम सिंह जी, सारिआं दा जिहड़ा है बहुत बहुत इस धरती दे उत्ते इस पावन पवित्र तख्त दे उत्ते आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। इन्हें शब्द प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।